हेलो एवरीवन, वंदनास आर्ट इम्प्रेशन में आपका स्वागत है। मधुबनी पेंटिंग के इस ट्यूटोरियल के डे 5 में मधुबनी पेंटिंग का एक फुल ट्यूटोरियल लेके आई हूँ, जो स्पेशली बिगनर्स के लिए होगा। साथ ही मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से ही बॉर्डर तैयार कर रखा है एक हैंडमेड शीट पे। एक साइड का बॉर्डर आपके सामने मैं बनाऊंगी। चलिए स्टार्ट कर। बॉर्डर बनाने के लिए मैं सीटी मार्कर का पेन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। ये जिगजैग पैटर्न का मैंने बॉर्डर लिया है, जो ऑलरेडी मैं डे 2 में आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा जिगजैग पैटर्न के 2-3 और बॉर्डर आपको बताए गए हैं। ये काफ़ी ईजी है, तो इसे दोबारा मुझे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस बॉर्डर को सीखने के लिए आप डे 2 के सेशन को आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे मैं जिगजैग पैटर्न को फाइन लाइन से फिल कर रही हूँ और दूसरे साइड मैं इसे ऑरेंज कलर के कलर से फिल कर दूँगी। मधुबनी पेंटिंग में सबसे पहले बॉर्डर बनाया जाता है और इसे डबल या ट्रिपल लाइन के अंदर ही बनाया जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग डबल या ट्रिपल लाइन में बना सकते हैं। ये मैं पतले से बॉर्डर ले रही हूँ, जिसके साइड में डबल लाइनिंग दी गई है। और मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, इससे मधुबनी पेंटिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मैंने यहाँ कलर के लिए मैंने 2 कलर चूज़ किया है, एक ग्रीन कलर एक ऑरेंज कलर। यहाँ बॉर्डर पे मैंने आउटसाइड पे ग्रीन कलर का यूज़ किया है, साथ ही ऑरेंज कलर का यूज़ मैंने बॉर्डर के अंदर के साइड किया है। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ हैंडमेड शीट का यूज़ किया है। अगर आपके पास हैंडमेड शीट नहीं है तो आप कोई भी 150 GSM से एवव के कोई भी शीट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे कम का नहीं होना चाहिए। इससे पतले ये शीट में मधुबनी पेंटिंग उतने अट्रैक्टिव नहीं लगते। पुराने ज़माने में मधुबनी पेंटिंग अक्सर दीवार पे बनाई जाती थी या कॉटन के कपड़े पे गांव का डंक से लेप लगाया जाता था और उसे कैनवास के रूप में तैयार किया जाता था। उसी पे ये मधुबनी पेंटिंग की जाती थी। इसलिए नेचुरल इफ़ेक्ट डालने के लिए मधुबनी पेंटिंग हैंडमेड शीट पे बनाई जाती है और ड्रॉ करने के लिए निब पेन का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक बिगनर्स के लिए निब पेन यूज़ करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ सीडी मार्कर के थ्रू आपको पेंटिंग बनाना सिखा रही हूँ। इससे पेंटिंग बनाना काफ़ी आसान होता है। यहाँ मैं 2 बर्ड का पिक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले एक राउंड करेंगे, उसके ऊपर डबल लाइनिंग देंगे। ये बर्ड की आँख हो गई और उसके बाद बर्ड के आँख के ऊपर से फिर डबल लाइन देंगे, ये इसका फेस बन जाएगा। मैंने यहाँ साइड में एक स्टेप बाय स्टेप का फ़ोटो शेयर किया है, उससे भी आप ड्रॉ करने में हेल्प ले सकते हैं। लास्ट वाली डबल लाइन में मैं फाइन लाइंस के थ्रू इसे फिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं जितने भी आउटलाइन है सबको डार्क कर देती हूँ और बर्ड की आँख को कलर कर रही हूँ। अब इस बर्ड की पंख के लिए मैं एक लीफ पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ और लीफ पैटर्न को उसके नीचे एक और लीफ पैटर्न ड्रॉ करके इसकी पूरी बॉडी को बना रही हूँ। पूंछ के लिए मैं वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ, जो उसके बॉडी को टच करता है, और बीक बनाने के लिए एक छोटा सा लीफ पैटर्न फिर से ड्रॉ कर रही हूँ उसके फेस में। बर्ड को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक उसके हेड पे राउंड शेप मैं ड्रॉ कर देती हूँ। मधुबनी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है डबल लाइन की। कुछ बिगनर्स होते हैं जो वो डबल लाइन देना भूल जाते हैं, इसलिए आप जब भी मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं, जो भी पैटर्न आप ड्रॉ करते हैं, जो भी मोटिव ड्रॉ करते हैं, उसके आउटलाइन को डबल करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप कैनवास में मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कभी भी वाटर कलर का यूज़ मत कीजिए। जब भी यूज़ करें उसे एक्रेलिक कलर का यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट आएगा।
अगर आप बिगनर हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे पहले ड्राइंग बनाने के लिए आप पेंसिल यूज़ करें, उसके बाद आप मार्कर या पेंट से उसके आउटलाइन को कवर कर दें। ये बहुत ही इजी बर्ड है बनाना, कोई भी आसानी से बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे पहले की जो ट्यूटोरियल वीडियो डे 1 से डे 4 तक की वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे आपको मधुबनी पेंटिंग बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने उन वीडियो में बहुत सारे मोटिव शेयर किए हैं बनाना स्टेप बाय स्टेप, मधुबनी पेंटिंग की हिस्ट्री आपके साथ पूरी तरह से शेयर किया है डे 1 के वीडियो में, और बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको इसके साथ शेयर किए हैं। मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप इस वीडियो के बाद आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो में कमेंट करके आप मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और पसंद आया है तो आप उसे लाइक करना मत भूलिएगा। ये बर्ड मेरी तैयार हो गई है, अब मैं फ्लावर्स ड्रॉ करूँगी। कई टाइप के फ्लावर्स बनाने के वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसके लिए आप मधुबनी पेंटिंग की ट्यूटोरियल डे 4 की वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने कुछ फ्लावर्स और लीफ की वीडियो शेयर की है जो मधुबनी पेंटिंग में अक्सर यूज़ किए जाते हैं। आप वहाँ जाकर स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख सकते हैं। इस पेंटिंग में मैं कुछ फ्लावर्स और बहुत सारी लीफ ड्रॉ करूँगी बैकग्राउंड के लिए। मधुबनी पेंटिंग की एक और ख़ास बात होती है, इसके बैकग्राउंड पूरी तरह से फिल होते हैं। आप जितना ज़्यादा फिल करेंगे मधुबनी पेंटिंग उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। मधुबनी पेंटिंग के बैकग्राउंड को फिल करने के लिए बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। कुछ पैटर्न्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आगे की वीडियो में। इन फ्लावर्स को मैं ब्रांचेस से जोड़ रही हूँ। ब्रांचेस लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, इसके बाद मैं लिप पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल लिप लिया है जो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड एक और टिप्स मैं देना चाहूँगी जो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है और बिगनर्स इससे काफ़ी परेशान रहते हैं, वो ये कि पिक्चर सही से ड्रॉ नहीं हुआ है। तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पिक्चर आप ड्रॉ कर रहे हैं एकदम परफेक्ट हो। मधुबनी पेंटिंग एक फोक आर्ट है और इसकी उत्पत्ति विलेज एरिया से हुई, और विलेज एरिया में अक्सर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, कोई आर्टिस्ट नहीं होता, इसलिए वहाँ की पेंटिंग उतनी ज़्यादा परफेक्शन वाली नहीं होती। इसलिए मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी आप पेंटिंग बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी पिक्चर एकदम परफेक्ट, बस उसमें मैसेज क्लियर होना चाहिए कि जो आप जिस थीम पे पिक्चर बना रहे हैं वो थीम क्लियर होना चाहिए आपका। ये मधुबनी पेंटिंग का कचनी रूप तैयार हो चुका है। इस पिक्चर को कलर करने के लिए मैं यहाँ एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ, साथ में राउंड ब्रशेस लिए हैं जो नंबर 0, 0, 2 और 4 नंबर के हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग दो प्रकार की होती है, जिसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार रिवाइंड कर देती हूँ क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। कचनी मधुबनी पेंटिंग, कचनी मधुबनी पेंटिंग में कोई भी कलर यूज़ नहीं होता है। अगर चाहे तो आप उसमें रेड कलर यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। दूसरी होती है भरनी मधुबनी पेंटिंग,
इसके नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि भरनी मतलब भरना। यहाँ रंग भरने की बात हो रही है। मधुबनी पेंटिंग चटक रंगों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पेंटिंग में डल कलर बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, इसलिए आप जब भी पेंटिंग बनाएं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप पेंटिंग बनाते हैं तो आपके पास जितने भी चटक रंग हैं उस कलर को आप मधुबनी पेंटिंग में बनाएं, तो मधुबनी पेंटिंग के पूरी तरह से उभर के आते हैं सामने और बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ मैं ब्रांचेस के लिए ब्लैक रंग यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्राउन कलर, डार्क ग्रीन कलर। अगर आप ब्राउन कलर और डार्क ग्रीन कलर नहीं करना चाहते हैं तो आप डार्क ऑरेंज कलर कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आपने ये ध्यान दिया होगा कि मैं जितने भी लीफ मैंने कलर किया है वो सिर्फ एक साइड मैंने ग्रीन कलर किया है और दूसरी साइड पैटर्न ड्रॉ किया है। इसी पैटर्न को उभारने के लिए मैंने सिर्फ एक साइड ही ग्रीन कलर किया है। अगर मैं दोनों साइड ग्रीन कलर कर देती हूँ तो ये पैटर्न पूरी तरह से उभर के नहीं आएगा। ये पेंटिंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैं बॉर्डर में ये रेड कलर फिल कर रही हूँ जिससे ये बॉर्डर और भी अट्रैक्टिव हो जाए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी मधुबनी पेंटिंग सीखना चाहते हैं उनको फ़ायदा मिल सके इससे। ये पेंटिंग मेरी लगभग तैयार हो गई है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस इस पेंटिंग जर्नी का हिस्सा बनने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।